खबर छुपी लाई आपकी खबर तेज असर। माइक को लेकर तनाव। कलवारी थाना क्षेत्र के थनहवा मुडियारी गांव में मस्जिद के मीनार में लगे माइक से आजान देने को लेकर गांव के ही मधुबन उर्फ पिंटू सिंह पुत्र विक्रम ने इमाम सहित तीन लोगों को पीट दिया। सूचना पर पहुंचे क्षेत्राधिकारी कलवारी आलोक प्रसाद व थानाध्यक्ष कलवारी ने जांच पड़ताल की और पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। फिलहाल गांव में दोनों समुदाय में तनाव है। थनहवा मुडियारी गांव में मस्जिद में लगे माइक से जौहर की आजान को लेकर दो समुदाय के बीच तनाव पैदा हो गया। मस्जिद में इमाम तौफीक अहमद के जौहर की आजान देने से गांव के ही मधुबन उर्फ पिंटू सिंह ने इमाम को यह कहते हुए पीट दिया कि आजान माइक से नहीं होगा। बीच बचाव में आए रुबीना 22, रुखसार 28 वर्ष, नसीर 60 पुत्र जलील को मारकर घायल कर दिया। ग्राम प्रधान शैलेंद्र यादव की सूचना पर कलवारी थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार शाही मैं फोर्स घटना स्थल पर पहुंचे और आसपास के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। प्रत्यक्ष दर्शियों ने बताया कि मधुबन उर्फ पिंटू सिंह मनबाड़ किस्म का आदमी है। आए दिन मुस्लिम बस्ती में आकर तरह तरह की गाली गुप्ता देकर मारने की धमकी देता है। पुलिस ने मामले को शांत कराकर घायलों को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनहरा ले गए। घटना के तनाव की सूचना पर क्षेत्र अधिकारी कलवारी आलोक प्रसाद भी घटना स्थल पर पहुंचे और दोनों पक्षों के लोगों से बारीकी से पूछताछ की। दोनों पक्षों में तनाव को देखते हुए पुलिस बल को गांव में तैनात कर दिया गया है। आना शुरू कर दिया तो हम लोग घर पे बैठे थे तो हम लोग बोले क्या हुआ तो उसके बाद मेरे बड़े अब्बू को उसने जो है मार दिया तुरंत सर फट गया। उसके बाद फिर भी हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, हम लोग इसको पकड़े साइड में लेके आए। फिर दोबारा जो है औरत लोग गाली देने लगी। सब पूरा जितना ठाकुर बिरादरी है और चौरसिया लोग मिलकर लेके घर पे आए, उसको वहाँ से खड़ा होकर सब लोग मरवाए हैं। उसके बाद हाफिज जी को मार रहे थे, हाफिज जी भागे। जब हाफिज जी को देखने तो मैं छोड़ाने लगा। उसके बाद उन्होंने हाफिज जी मस्जिद से बाहर निकले हैं। जब हल्ला होने लगा तो उसके बाद हाफिज मस्जिद से जैसे बाहर निकले वैसे तुरंत उनको ईटा बाग मारने लगे। जैसे किस बात के लिए मारे हैं, क्या मामला? पहले जो वो बोलते कि मस्जिद मैक उतरवा दो, उसके बाद मैक पे अजान नहीं बोलने का है। और जो दाढ़ी वाले को जितना है उनको सबको बीन बीन के मारने का है। हाँ, अब वो बोलते हैं मस्जिद में बम रखने के लिए। नाम बता दे भैया। हमारा इश्तियाक अहमद नाम है। ठीक, इनकी पत्नी बता दीजिए कि कैसे क्या मामला है। कुछ नहीं, वो सिर्फ बौरा गया है, बोल रहा है मस्जिद में बम लगा दूंगा। अया काना चुड़ियार मोहल्ला में सिर्फ बम लगा रहा है। नहीं, शुरुआत जैसे मामला क्या शुरू क्या हुआ है कैसे? कुछ नहीं हुआ था। हाँ। वो सिर्फ आया बस ढेलना आधा फेंकने लगा है। किस बात के लिए? गाड़ी दे रहा है। किस बात के लिए? अजान के लिए। अच्छा, तो ऐसे आया जो है, कितने लोग थे? सब उधर सब तमाशा देख रहे थे। नहीं, जैसे जो ही दो देवरान जिठान थे, आज सिर्फ आदमी हमारा सो रहा था। जैसे जो ईटा उटा फेंक रहे तो कितने लोग थे? एक अकेले आया था। क्या नाम उसका? पिंटू सिंह नाम है। अच्छा, अपना नाम बता दीजिए। रुबीना खातून। इस संबंध में थाना अध्यक्ष कलवारी अरविंद कुमार शाही ने बताया कि पिंटू सिंह मानसिक रूप से विक्षिप्त है। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करा दिया गया है। आरोपी को पकड़ लिया गया है। इस संबंध में अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। आज शाम को लगभग 4 बजे थनमा मुड़ियारी ग्राम थाना कलवारी क्षेत्र जनपद बस्ती से सूचना प्राप्त हुई कि दो व्यक्ति जो कि अलग अलग संप्रदाय के हैं उनमें मारपीट हुई है। इस सूचना पर मैं मौके पर जाकर आस्था का पता लगाया तो पता चला कि गांव के ही पिंटू उर्फ मधुवन पड़ोस में अपने रहने वाले अलग संप्रदाय के व्यक्तियों पर आए दिन लाउड स्पीकर और गंदगी को लेकर शिकायत करते थे। आज लगभग शाम को 4 बजे वो डंडा लेकर पड़ोस की महिलाओं को दौड़ाए। मस्जिद में रहने वाले व्यक्ति उनको बचाने आए, इसी दौरान महिलाओं और उस व्यक्ति को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। गाँव के लोगों का कहना है कि पिंटू कुछ दिन पहले एक साधु से भी विवाद कर लिए थे। क्योंकि घायल व्यक्ति और पिंटू अलग अलग संप्रदाय के हैं, मौके पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। घायलों का मेडिकल कराया गया, उनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। पिंटू वर्तमान में अभिरक्षा में है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।